तो जो हमारी वाली थार है ना वो हमने देके दूसरी थार ले लिया है, और इसका पहले तो आप इंटीरियर चेक करो, पूरी गाड़ी लाल हो रखी है और इसमें वो भी आर्म रेस्ट भी है, ठीक है। और सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल, आई होप आप सारे अच्छे हो गए। तो मैं दिल्ली आया था, तो जब मैं दिल्ली आया ना मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम पेज पे देखा कार के लिए जी वैगन वाली लाइट्स आई है, मतलब जो एसी वेंट्स होते हैं ना वहाँ पे जी वैगन वाला जो एसी वेंट्स है वो, और उसके अंदर लाइटिंग है भाई। मतलब मेरा तो लेने का मन हो गया, मैंने कहा भाई लेने चलते हैं, तो अभी मेरी बात हुई है उनसे और हम उनपे जा रहे हैं वो लाइट्स लेने। मतलब जिनसे मैंने रैपिंग करवाई थी ना उनके पेज पे ही मैंने वो लाइट्स देखी थी, तो भाई मतलब पहले सोच रहा था कि यार लगवाऊं ना लगवाऊं, मैंने कहा थोड़ी महंगी है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं यार, शॉप से ऊपर कुछ नहीं है और अपनी गाड़ी के लिए तो कुछ भी। मैंने अपना कैमरा लेके नहीं आया था, मेरा कैमरा ना देहरादून ही रह चुका है, तो मैं फोन से ब्लॉग कर रहा था और लिटरली बता रहा हूँ मतलब मैं ऐसे करके ब्लॉग करता, सामने पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, मतलब एक इंच से बचा, मतलब जब मैं निकल गया ना तब उसने मेरे को देखा कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, एकदम से उसने मतलब उसकी आंखें फट गई। अगर एक मिनट पहले, एक दस सेकंड पहले भी मेरे को देख लेता ना तो मेरा अभी कट जाता 5-10 हज़ार रुपये का चलान, और फिर मैं लाइटें लगवाता, फिर यहीं से मैं यू टर्न लेके वापसी को निकल जाता, क्योंकि जो लाइट्स हैं अराउंड 20,000 की हैं, वही लगवाने के लिए मैं इतना सोच रहा था कि लगवाऊँ ना लगवाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार लगवा लेते हैं, अभी भी सोचते सोचते ही जा रहा हूँ। बट देखो चीज वर्थ इट होनी चाहिए, क्योंकि जब रात को हम गाने सुने ना, अंधेरा हो और रोमांटिक से गाने बज रहे हैं, प्यारे प्यारे गाने बज रहे हैं और लाइट जल रही है प्यारी प्यारी, तो भाई सीन एंड हो जाएगा एंड। तो भाई हम ना ये वाले एसी वेंट्स लगवा रहे हैं और इसके अंदर लाइट्स भी जलती हैं, तो एक बार मेरा मेरी वाली गाड़ी का काम हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये चीज क्या है। तो जो हमारी वाली थार है ना वो हमने देके दूसरी थार ले ली है, और इसका पहले तो आप इंटीरियर चेक करो, पूरी गाड़ी लाल हो रखी है और इसमें वो भी आर्म रेस्ट भी है, ठीक है। और इसका इसमें जी वैगन वाले एसी वेंट्स भी लगे हैं जो मैंने अभी लगने को दिए हैं, तो मेरी गाड़ी में भी अभी जी वैगन वाले एसी वेंट्स लगने वाले हैं। तो मैंने तो आंज भैया को बोल दिया, मैंने कहा भैया एक काम करते हैं गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं फॉर सम टाइम, मैं आपकी वाली ले जाता हूँ आप मेरी वाली चलाओ ब्लू रंग, तो कहते चलो कोई बात नहीं, बाकी अभी तो चलो अभी 3-4 बजे पहले मेरी गाड़ी का 3-4 घंटे में मेरी गाड़ी का काम हो जाए, उसके बाद जब अंश पाजी की कॉल आएगी ना तब उनसे बात करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जो ये वाली थार है ना दिस इज कन्वर्टेबल, तो भाई देहरादून में जब हम कन्वर्ट करके घूमेंगे ना तो नेक्स्ट लेवल फील। एक तो ऊपर से इसमें अलॉयज भी लगे हुए हैं, 20 इंच अलॉय लगे हुए हैं, तो भाई हमें ना नया जोश चढ़ा है कि जो गाड़ी है ना कन्वर्टेबल है, तो हमें काम करते हैं इसकी छत खोल देते हैं, क्योंकि जो दिल्ली का मौसम है ना दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, और ऑब्वियसली अगर मौसम ब्यूटीफुल है और हमारे पास चांस है अपनी गाड़ी को खोलने का तो यार। एक्चुअली ये इशिका की विश थी, ठीक है, इस रीजन से मैंने खोला, और भाई कन्वर्ट करके गाड़ी की अलग फील हो गई यार, जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट फील, भाई साहब नेक्स्ट लेवल सीन है भाई इस चीज का, तो मतलब एंड हो गया मेरा तो मन है मैं अपनी गाड़ी भी कन्वर्टेबल करा लूं। तो जो अलॉयज जले ना इस गाड़ी में वो ये वाले हैं, तो क्या बोलती है जन, सही बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वाली थार है ना मेरी कार से बेटर चल रही है, अब आई डोंट नो व्हाई। मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा भैया जरा आप ये वाली गाड़ी चला के देखो मेरी वाली और फर्क बताओ, पता नहीं ये गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, मतलब जैसे मैंने अपनी थार ली है ना दूसरी वाली वो स्टार्टिंग से ऐसी चल रही है, कोई ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अच्छी चल रही है अब खराब चल रही है, स्टार्टिंग से ही वैसी चल रही है, और ये वाली आज चलाई है तो थोड़ा फर्क तो है यार, डिफरेंस है, थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है यार मेरी वाली क्यों नहीं अच्छी चल रही है, तो देखते हैं जरा। बाकी अभी हम जा रहे हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप कौन है ये, कौन है, अबे हेलो व्हाट्सअप। जब भी मुझे डाइट खानी होती है ना और डाइट में बस अवेलेबल नहीं होती है तो मैं लेता हूँ प्रोटीन, तो पहले ना मैं वे प्रोटीन यूज करता था, बट अब दिक्कत ये है मैं हूँ लैक्टोस इंटॉलरेंट, तो मेरे को ना वे प्रोटीन जब भी पीता हूँ तो डाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू प्लांट प्रोटीन पे क्यों नहीं स्विच करता, तो मैं यूज करता हूँ वाओ लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और जो भाई इस प्रोटीन का टेस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग प्रोटीन आई हैव एवर हैड, मतलब अपने दिल से बता रहा हूँ, मतलब मैंने इससे टेस्टी प्रोटीन नहीं पिया, और ऊपर से जो ये प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड है, एंड दिस इज मेड फ्रॉम पी एंड ब्राउन राइस प्रोटीन, और इसके लिटरली ना बहुत सारे फायदे हैं, ये हेल्प करता है आपकी मसल ग्रोथ में, और ऑल्सो हेल्प करता है कि आपकी जल्दी रिकवरी हो, एंड ऑल्सो हेल्प
इन बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। जो इसकी एक 34 ग्राम की सर्विंग है ना, उसमें अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन है। तो मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा प्रोटीन है सिर्फ एक सर्विंग में। एंड गाइस, सबसे बेस्ट चीज है, जब भी आप वॉ के प्रोडक्ट लेते हो ना, वॉ के प्रोडक्ट्स के पीछे QR कोड दिया गया होता है, जिसको स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो। एंड यस, फॉर अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस आप वॉ के आप डाउनलोड कर सकते हो और जाके ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो अगर आप मेरे कूपन कोड से खरीदोगे तो आपको मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट, जो कि है Site20। बता रहा हूँ, इससे ज्यादा टेस्टी प्रोटीन मैंने आज तक नहीं लिया। तो जाओ और जाके शॉप करो, बी वाओ नेचुरली। अरे क्या हाल है भाई? बहुत अच्छे भाई। कहाँ से लगा रखी गाड़ी पीछे? फिर 1.5 किलोमीटर से लगा रखी भैया, पर जाम में तो अभी बच भी गए हम। बस कुछ तुमने कहा छत पे देखा था क्या? नहीं, देखा। अच्छा अच्छा, टाइट टाइट ना कपड़े पहने हुए, क्योंकि ब्रांड की वीडियो शूट करनी थी। तो मैं रमन के घर आया हूँ, दिल्ली वाले घर पे। रमन ने एकदम से ना पेट अंदर कर लिया अपना। बाकी भाई, जिस ब्रांड की हम वीडियो बनाते हैं ना, आप लगा लो भाई, वो ब्रांड वाले 10-10 बार वीडियो चेंज कराते हैं। मतलब मेरा तो शायद 2-3 बार होता होगा, रमन का तो भाई मतलब ऐसी तैसी कर देते हैं। मैं खज्जल हूं ना, मैं तो लिटरली उस बंदे बोले, मैं कहा मेरे को ना एक बार अपने क्लाइंट से मिलवा दे, मैं मिलना चाहता हूँ पर्सनली कि भाई क्या चीज है। मतलब कभी टी शर्ट ऐसी है, कभी बैकग्राउंड ऐसा है। अभी हमने सब कुछ भेजा, बैकग्राउंड भेजा, फोटो भेजी, और अप्रूव होने के बावजूद उसमें लिखा हुआ ट्रक ड्राइवर, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ ट्रक ड्राइवर। अब वो बोल रहा ट्रक ड्राइवर नहीं है, मालिक को डाल दो। पता नहीं यार क्या भाई, और इस बंदे का बिजनेस में इतना दिमाग चलता है, इसे ऐड दिलवाई है। ठीक है, चलो हम तो एक बंदे हमने ऐड दिलाई, हमने बात करा दी क्लाइंट से ना इसकी। भाई साहब, इन्होंने अपने नीचे 10 बंदे ऐसे जोड़ लिए जिन्हें ये ऐड दिलवा रहे हैं, उनसे कमा रहे हैं 5,000-5,000 रुपए। मतलब इसने खुद तो, इसने जो भी XYZ अमाउंट कमाया, मतलब एक इसको दिन के एक दिन में एक कैंपेन तो मिलता ही है, एक ही कैंपेन से भाई भाई साहब 40-40, 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं भाई। क्या बात है भाई, और ये सब कुछ है इसके इसके उधर YouTube जीप रैंगलर आने वाली है, जीप रैंगलर। जो अपनी वीडियो है ना वो बन चुकी है। इसके बाद मैंने जाना है बसंत कुंज, क्योंकि जो मैंने अपनी गाड़ी में काम कराया था ना, जो बीच वाली एक लाइट है ना राइट हैंड साइड की, वो जल नहीं रही है, तो बस वो फटाफट से सही कराएं। उसके बाद देहरादून भी निकलना है, और मैंने अभी चांदनी चौक भी जाना है, क्योंकि जो मेरा माइक है ना, मेरा माइक खराब हो गया था। तो मेन चैनल का शूट है, जब तक वो माइक सही नहीं होगा ना तो शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे माइक्स ही उस रिकॉर्डर, मतलब बेसिकली दैट्स अ रिकॉर्डर प्लस माइक, तो उसी रिकॉर्डर से सब कुछ कनेक्ट होता है। तो फटाफट पहले बसंत कुंज जाएंगे, उसके बाद चांदनी चौक जाएंगे, और सारे काम निपटेंगे तो देहरादून भी निकल जाएंगे। और अगर आज काम नहीं निपटा माइक का, तो शायद दिल्ली रुकना पड़ेगा एक दिन और दिन के लिए। और इसको 4 दिन हो चुके हैं दिल्ली में फंसा हुआ है। मेरे को रोज कहता है भाई मैं आज बस पे जा रहा हूँ, बस पे जा रहा हूँ, बट जाता ही नहीं। इसको लगता है कि क्या पता आज माइक सही हो जाए, और माइक सही नहीं हो रहा। और सभी उनको कॉल करने लगे हैं, और उनको बोल रहा हूँ कि भैया प्लीज बता दो। पहली बात तो मेरे को चलती बस से उतरवा दिया इसने, उसके बाद मुझे कह रहा है एक दिन अपडाउन करेंगे, अपडाउन करेंगे। सारे 14 दिन स्टारबक्स है ना पूरा का पूरा फुल हो रखा है, मतलब लगा लो पैर रखने की भी जगह नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के थोड़े ज्यादा मतलब रूल्स फॉलो करते हैं, तो मतलब इनको ना गैप रखना पड़ता है सीट के बीच में। तो अब भाई हमने बोला, मैं कहा भाई कहीं ना कहीं जुगाड़ कर दो, कहते सर पॉसिबल ही नहीं है। आधा घंटा वेट करने के बाद भी जगह नहीं मिली, मतलब इतनी मारामारी चल रही थी। जैसे ही कोई सीट खाली हो रही थी, एक के ऊपर एक लोग कूद रहे थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, गाड़ी में आके ही अपना स्टारबक्स पी लेते हैं। थैंक यू गाइस, जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो मेरा गला है ना उसकी ऐसी तैसी हो रखी है। मतलब पूरा का पूरा गला, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्वेल हो रखा है, बोला तक नहीं जा रहा। तो बस ऐसी सपोर्ट करो, प्यार करो। आई लव यू ऑल।